मोदी की अपनी कार्यशैली है, अगर इतनी कार्यशैली हिटलर शाही जैसी होती तो शायद ये तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है कि इनके शासनकाल में लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा हत्या हो रही, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी का कब्जा है। बाकी जो प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा लिए गए निर्णय को लुंजपुंज तरीके से अभी तक कई निर्णय तो ऐसे हुए कि अभी तक लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाए। इनको अपने फैसले लेने में और ज़्यादा सर्वानुमति बनाने का की दरकार है और वो करना पड़ेगा। दो तीन स्लोगन हैं, एक तो मैं ये उन्होंने कहा मैं सेवक हूँ, दूसरा चौकीदार की बात उन्होंने कही, फिर वो उन्होंने कहा कि मोदी का परिवार मैंने इस बार चुनाव में पूरा देश मेरा परिवार है, उन्होंने कहा कि मैं चढ़ के घर में घुस के मारता हूँ, उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सब जो स्लोगन्स ये सब जो नारे हैं वो पॉपुलर हो गए ज़्यादा, लोगों ने इसके चलते इस नेता को पसंद करना शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज भी हमारे स्टूडियो में एक खास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम लोग बातचीत करेंगे। आज हमारे बातचीत का मुद्दा है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे विश्व नेता बन गए हैं जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक्स पर वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, 100 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के फॉलोअर 10 करोड़ और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जिनके 38 मिलियन फॉलोअर हैं। भारत में दो नेता ऐसे हैं जिनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का नाम लिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के फॉलोअर 2 करोड़ 75 लाख हैं तो राहुल गांधी के 2 करोड़ 65 लाख हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर नेता कैसे बनते जा रहे हैं, क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर हो गए खास तौर पे सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर, और उसके अलावा सोशल मीडिया पर तो वो फायदा, लेकिन वो केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। ये पूरी दुनिया में ये विश्व रिकॉर्ड है कि किसी एक व्यक्ति जो एक्स पर 100 मिलियन से ज़्यादा जिनके फॉलोअर हैं, तो ये एक विश्व रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कैसे रिकॉर्ड बनाया, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रिय रंजन भारती हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। प्रिय रंजन भारती जी से सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर लीडर बन गए, ये जो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि एज ए पॉलिटिशियन इन्होंने सोशल मीडिया पर खुद अपनी एक्टिविटी शुरुआत खुद अपने से कर दी थी, और आज से नहीं, जब प्रधानमंत्री बनने के पहले वो मुझे लगता है कि जब ये मुख्यमंत्री थे और उससे भी पहले जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटली एक्टिव हुआ था तब से वो सक्रिय थे, और सक्रियता उनकी इस कदर थी कि सारी गतिविधियों को और जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती है उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं और अपना जो विचार होता था उसको वो हमेशा समावेशित करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज करते रहे। फिर पहली बार जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे तब इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिजिटली कैंपेन का एक बड़ा माध्यम बनाया था, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को पहली बार हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष के अंदर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह से इलेक्शन कैंपेन में जोड़ा गया, तो मुझे लगता है कि 2014 का वो चुनाव था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के लिए, और उन्होंने खुद इसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया, बहुत ज़्यादा डेवलप किया, एक टीम लगी हुई थी और टीम तो काम करने के लिए थी, लेकिन जब तक जो लीडर होता है मासेस के बीच में अप्रोच करने की उसकी टेंडेंसी और उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती है, वो खुद से जब उसको एक्टिवेट नहीं करता है तो चीज़ें उस तरह से प्रमोट नहीं करती हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद से एक्टिव होना और सारी गतिविधियों को समावेशित रूप से उस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ देना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इनकी लोकप्रियता प्रकारांतर में बढ़ाती चली गई है। और देश क्या अब दुनिया में ये नंबर वन एक नेता ऐसे के रूप में उभरे हैं जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बन गया है।
अच्छा, लोकप्रियता का एक कारण ये है कि मैंने वो सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई, लेकिन उनके कार्यक्रम मुख्यमंत्री जब थे उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का भी माने प्रधानमंत्री के नाम की जब उनकी घोषणा हुई उसी समय लोगों ने इनको फॉलो करना ज़्यादा शुरू कर दिया था, तो उनके कार्यक्रम उनके उनकी नीतियाँ और भी दूसरे कारण हैं कि केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव है इसलिए इतने पॉपुलर? नहीं, उनकी नीतियाँ भी कारण है। मैं वही उस अब आपके इस बात पर इस रूप में आना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी वैचारिकता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक माध्यम बनाया और न सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा बल्कि अपने सारे सोसाइटी, अपने पूरे ग्रुप में और जहां वो वर्क कर रहे हैं, जहां वो काम कर रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उनके उनकी सारी गतिविधियों को भी सोशल मीडिया से जोड़ा, डिफरेंट तरह के ऐप जोड़े और योजनाओं के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का यूज किया। सिर्फ अपनी वैचारिकता नहीं, दैनिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं देश भर में, दुनिया भर में, उन सब के प्रति क्विक रिस्पॉन्स रखना और उनके साथ खुद को टैग रखना, ये बड़ी बात होती है, तभी इनकी लोकप्रियता बढ़ी। क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री हैं, भारत जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी खास बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री की ये गतिविधि इस तरह से त्वरित उनकी उनका रिस्पॉन्स और उनका जुड़ना सोशल मीडिया के साथ, और साथ साथ उनका उनकी वैचारिकता भी इसके साथ बहुत मायने रखती है कि वो किस तरह से अपने विचारों को उसके साथ लोगों के बीच में रखते हैं और रखने के साथ इनकी नीतियां किस रूप में लोगों को आकर्षित करती हैं, ये खासा मायने रखता है। एक और खास बात जो देखने को मिली, जब ट्विटर, अभी तो एक्स उसका नाम है, पहले वो ट्विटर था, तो ट्विटर पर क्विक एक्शन, अगर कोई भी छोटी जानकारी अगर आप डालते हैं, कोई कंप्लेन भी होता है, खासतौर पर रेलवे में देखा गया कि ट्विटर पर जैसे ही आप कोई कंप्लेन डालते हैं तो त्वरित कार्रवाई होती है। उसी तरह से पीएमओ इस पर बहुत एक्टिव रहा जब से नरेंद्र मोदी रहे, तो ये भी कारण है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब हमारा नेता ही उस तरह के काम को ज़्यादा प्रश्रय देगा तो पूरी की पूरी टीम और सरकार की पूरी व्यवस्था भी उसको फॉलो करेगी। निश्चित रूप से ये एक बड़ा कारण है। और मैंने आपको कहा भी कि जैसे अब पूरी दुनिया में लोकप्रियता की मुझे अपनी जो समझ से ध्यान आ रहा है वो एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि नरेंद्र मोदी ना सिर्फ मानवीय पक्षों को देखते हैं और उसके प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं तुरंत व्यक्त करते हैं, बल्कि मानवीय पक्ष को कैसे हम बिल्कुल मानवीयता के साथ और उसके साथ सहानुभूति रखते हुए उसके साथ क्या होना चाहिए, इन सारे पक्षों को अगर उस रूप में प्रेजेंट करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण लोकप्रियता का कारण बन जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया है, इसीलिए इनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ी है और अब बढ़ती ही जा रही है, बाकी नेताओं के बनिस्बत वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। एक और बात आपको, हमको लगता है कि आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बहुत कम समय में पूरी दुनिया की सैर कर ली, माने कोई भी ऐसा देश नहीं छूटा जहां वो नहीं गए, और देशों से रिश्ता सुधारने के इस क्रम में जहां भी वो गए भारतवंशी तो दुनिया भर में हैं, तो वो एक रॉक स्टार की तरह अपने आप को प्रेजेंट किया और रॉक स्टार की तरह लोगों ने उनको लिया भी, जहां भी वो जाते मोदी मोदी के नारे लगते, तो दुनिया भर के लोग भी, माने जो भारतवंशी कम से कम है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ते चले। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के एक आइकॉन के रूप में दुनिया भर के भारतवंशियों में लोकप्रिय हुआ है, ये एक बड़ी बात इसलिए रूप में सामने आई है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि पूरी दुनिया में भारतवंशियों को जहाँ जहाँ ये गए हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो मोदी के रूप में भारत के स्वरूप को प्रतिबिंबित होते देखा है दुनिया भर के भारतवंशियों ने, इसलिए कि उनके मन में जो परिकल्पना है भारत के प्रति, और भारत एक ऐसा गौरवान्वित सनातनी संपन्न देश है जिसके बारे में मोदी की परिभाषा और मोदी के जो अपने विचार एकदम उसके साथ साथ तालमेल कर जाते हैं,
इसकी प्रतिमूर्ति नरेंद्र मोदी के रूप में रेखांकित होती है। और ये मुझे लगता है कि मोटी वजह है जिसकी वजह से भारत के प्रतिबिंब के रूप में दुनिया में इनको देखा जाता है और इसके साथ साथ इनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंचती हुई इसी वजह से मुझे लगता है। एक सनातन परंपरा को लेकर और हिंदुइज्म को लेकर एक बात रहती है कि नरेंद्र मोदी हिंदुइज्म की बात ज़्यादा करते हैं और उन्होंने कहा कि अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति की खिल्ली उड़ाकर और कुछ लोग वो ये बनना चाहते हैं वैचारिक और बौद्धिक बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास हो तो उससे अपना गौरव बढ़ता है। और दुनिया भर में जब ये बातें वो उन्होंने कहना शुरू की तो जो दुनिया भर में भारत के लोग जो बसते हैं उनके अंदर जो एक है वो जागृत हुआ और उसके कारण भी मोदी पॉपुलर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर में जहाँ भी भारत के लोग भारतीय मूल के लोग हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय या धर्म का हो, उनके प्रति अपने देश से एक लगाव होता है। और कितना भी किसी भी मजहब का किसी भी धर्म का हो, लेकिन भारत की पहचान एक सनातन एक ऐसे संस्कारी स्वरूप वाले राष्ट्र की है जिसे लेकर किसी भी मजहब वाले अपने को खुद से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये कहलाना कि मैं भारतवंशी हूँ, मैं उस देश का हूँ। तो उसमें मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी में उनकी प्रतिमूर्ति दिखती है। और भारत के सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं, कोई भी देश का नागरिक जो भारत जो देश में का वह हमारा कोई भी व्यक्ति जो दुनिया भर के किसी देश में रहता है उनके बीच में जब मोदी जाते हैं तो उनकी छाया दिखती है। और इसके साथ साथ वो मोदी के प्रति एक दीवानगी उनके में उभर आती है। और जब मोदी सक्रिय दिखते हैं प्लेटफॉर्म पे तो उनके साथ वो स्वाभाविक रूप से स्वतः जुड़ता हुआ चला जाता है। एक बड़ी बात है। एक पहला ये मौका है कि कोई मैंने एग्रेसिव होके अपने कार्यक्रमों को लेकर अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में ले जाना अपनी योजनाओं को और अपने कार्यक्रमों को। और कई बार तो ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने जो अपनी नीतियाँ उन्होंने बनाई और कई बार उनको पीछे हटना पड़ा तो खुलकर उन्होंने इसका एक्शन लिया और पीछे भी हटे, जैसे कृषि कानून जो बने थे उस पर वो पीछे हटे। और कई बार अभी तो आप देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना पर भी कुछ लिबरल हो रहे हैं। तो अनेक ऐसे हैं जो वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो पीछे भी हटते हैं, ये लोगों को पसंद है। हाँ, अभी सही एक अच्छा मुद्दा आपने बताया है कि ऐसा करना एक लोकप्रिय नेता का ही मापदंड हो सकता है। लोकप्रियता की चरम पर जब पहुँचता है कोई भी नेता और जो बिल्कुल दिन पर दिन दिन के सरोकार से जुड़ा हुआ हो, जैसे वो जनता के लिए और जनता के लिए जनता के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उस पद पर होता है, तो इस तरह की अपेक्षा भी लोगों में होती है कि अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर कहीं कोई ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो उसे तुरंत त्वरित रूप से, ऐसा नहीं कि सरकार करेगी और 5 साल तक 10 साल तक देखे, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देना और तुरंत रिस्पॉन्ड करना, ये भी लोगों को अप्रोच करता है। और इससे उनकी कद्र उनकी पूछ उनका उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी उनके प्रति बढ़ रही है। और खासतौर पर नौजवानों को लेकर प्रधानमंत्री स्कूल बॉयज से वो मैंने हर परीक्षा के समय जब भी वो जो सेंट्रल बोर्ड की परीक्षा होने वाली होती है इंटरमीडिएट की या टेंथ की, तो उस समय वो बच्चों से मिलते हैं, उनकी उनकी समस्याओं को सुनते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो खिलाड़ियों के साथ काफ़ी लंबा समय बिताते हैं, उनको अपने नाश्ते पर या भोज पर बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिल्मी कलाकारों के साथ वो कनेक्ट होते हैं। तो ये देखने को मिला कि वो बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं, नौजवानों को खासतौर पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। आपको लगता है कि ये ज़्यादा असर डालता है? ये असर तो डालता ही है हर क्षेत्र में, हमारे श्रमिक हो, हमारे नौजवान हो, हमारे छात्र हो, या हमारे सैनिक हो, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मा जिनके कंधों पर होता है और जिनको भविष्य का निर्माण करना है और जिनको संचालन करना है पूरी व्यवस्था को, वैसे सबके सब किरदारों के साथ अपनी भागीदारी और उन्हें ये महसूस कराते हुए कि हम हैं, आप ही के हैं, हम आपके साथ ही कदम ताल करते हुए चल रहे हैं, तो उनका हौसला बढ़ता है और उनके काम करने की क्षमता बढ़ती है। और यही वजह है कि उनके प्रधानमंत्री के प्रति लगाव और काम में रुचि भी बढ़ जाती है। और इन सबको देखें अगर आप,
तो इन सब की वजह से वो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है, एक माध्यम है, जो जब काम करता है आदमी और जब अपनी सफलता को उस काम से जोड़ देता है तो किसी भी टूल पर, किसी भी माध्यम पर उसका चरम पर पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है। ये सिद्धांत है। तो प्रधानमंत्री उस तरह से करते हैं, जैसा वो कर रहे हैं उस दिनचर्या को वो उस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दे रहे हैं, वहाँ खड़ा कर दे रहे हैं और लोगों की आकांक्षाओं को भी उसी हिसाब से प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। ये एक बड़ा काम है। और लेकिन हम आपसे और भी कुछ सवाल ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का विरोध भी भारी विरोध होता है पूरे देश में भी और दुनिया में भी, तो विरोध के क्या कारण हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एक सवाल हम ये रहे कि प्रधानमंत्री जो विदेशों का दौरा करते हैं और पिछले तीन बार, मानिए उनका तीसरा शासनकाल शुरू हुआ, ये जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार जो सरकार में प्रधानमंत्री बनकर आए, तो इससे एक स्थायी सरकार की बात पूरी दुनिया में गई और एक फैसले लेने वाले, मजबूत फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री की एक छवि बनी। और यही कारण है कि दुनिया की नज़र इस समय नरेंद्र मोदी पर है, माने यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए मोदी की तरफ देखता है, तो अनेक ऐसे देश हैं जो मोदी की तरफ देख रहे हैं। आपको लगता है कि इसके कारण भी दुनिया भर में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है? देखिए, ये एक्सेप्टेबल मास लीडर तो बन गए, तीसरी बार सत्ता में हनक के साथ आना, ये इनकी मजबूती और इनकी कद, इनके स्वरूप को रेखांकित करता है कि कैसे व्यक्ति हैं और किस तरह से ये ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात काप करें बल्कि एक सोशली एक्टिवेट करने वाला ऐसा मास पर्सनालिटी जो जनता के बीच का हो और जनता के लिए काम करता हो। आप लोकतंत्र की परिभाषा को इसको देखिए कि जनता के लिए, लोक के लिए, लोक के द्वारा, और जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो सारे स्वरूप, सारे मापदंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। काम कर रहे हैं, हमने अपने खुद को, अपने काम को उस तरह से लोगों के बीच न सिर्फ आगे बढ़ाया है बल्कि उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं और वो कैसे इसको लेते हैं उनके बारे में भी जानकारी रखना, और उनको अगर कोई परहेज है, उनको अगर कोई उसकी खिलाफत करनी है तो उससे भी पूरी तरह से सहमति अपनी बना करके और तब उस चीज़ को आगे बढ़ाना, ये इनकी खासियत है। और इन खासियत होने की वजह से प्रधानमंत्री जिस तरह से योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से सरकार में भागीदारी और सरकार में योजनाओं की भागीदारी को जनता तक सीधे पहुंचा रहे हैं, इन सब के बीच भी लोगों के, इन सब के कारण भी लोगों के इनके मन में आकर्षण बढ़ा है। और ये खास वजह मुझे लगती है कि इस आकर्षण की वजह से प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच में ज़्यादा अपनी जड़ें मजबूत करते जा रहे हैं। लेकिन वो अपने मिजाज के, अपने अंदाज के आदमी हैं और वो जो चाहते हैं वही करते हैं, वो कड़े फैसले लेते हैं और दूसरों को उनके सामने चुपचाप रहना पड़ता है, उनके सामने यस बॉस की स्थिति हो जाती है, वो जो जो चाहते हैं वही करते हैं, ये इसकी आलोचना हमेशा हुई है। उनके पार्टी के भीतर भी उनको नहीं चाहने वाले अनेक लोग हैं और ये भी कहा गया कि पार्टी के कई कद्दावर नेताओं को उन्होंने साइडलाइन किया अपने सत्ता में बने रहने के लिए। देखिए, ये अब एक ऐसा विषय है जिस पर मंथन इस रूप में करना जरूरी हो जाता है कि किसी काम को और किसी सोच को, और जो अब तक नहीं हुआ है उसे सबके बीच पहुंचाने की जब कोशिश की जाती है और मादा होता है कि हम पहुंचाएंगे, फिर वो उन सारे पैरामीटर्स की पहचान की जा कर ली जाती है कि कौन लोग कहाँ किस तरह से व्यवधान खड़ा कर सकते हैं और कौन इस प्रवाह को, इस इच्छा शक्ति को वहाँ तक ले जाने में बहुत ज़्यादा कारगर नहीं साबित हो सकता है, तो वो कड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे नितांत सीधे अब्बा बुलेट की मार की तरह सीधे वहाँ पहुँचाना है। उसमें कहाँ अवरोध खड़े हो सकते हैं वो देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अवरोधों को किनारे कर देना, उनकी जो कार्यशैली है उससे निपट लेना। और यहाँ तक जैसे आप कह रहे हैं कि लोग ये देखते हैं कि भाई उनके पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोगों को किनारे लगा दिया जाता है, उनको उतनी सारी गतिविधियों में नहीं आगे बढ़ाया जाता है, इसके कारण अगर देखें, इसके वजहों को तलाशेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि उनका लक्ष्य है अर्जुन की आँख की तरह कि वो मुझे भेद लेना है,
अर्जुन मछली की आंख की तरह अर्जुन के निशाने पर वो देखते हैं और उसे बेचना चाहते हैं। उस लक्ष्य को हासिल करने में अगर कुछ रुकावटें आती हैं और कहीं कहीं कोई जो विचार ऐसे या कुछ लुंज पुंज तत्व ऐसे सामने आते हैं उनको वो किनारे लगा दे तो ये गलत नहीं होता, इसलिए विरोध हो रहा है कि। और लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि कोई ऐसा निर्णय ये करने से पहले, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबसे सहमति लेने की प्रयत्न। लेकिन उन पर हिटलर शाही का आरोप लगता है, विपक्ष तो इसको जोरदार तरीके से उठाता है। विपक्ष तो उठाएगा, विपक्ष उठाएगा, मोदी की अपनी कार्यशैली है। अगर इतनी कार्यशैली हिटलर शाही जैसी होती तो शायद ये तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। हाँ, थोड़ा ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि इनको अपने फैसले लेने में और ज़्यादा सर्वानुमति बनाने का की दरकार है और वो करना पड़ेगा। ये जो है नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है कि इनके शासनकाल में लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा हत्या हो रही, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी का कब्जा है। देखिए, मुझे लगता है कि एक मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे धारदार तरीके से चीज़ों को लागू करवाना जानते हैं, इसलिए आलोचना भी होती है। और उसके साथ साथ ये भी देखें कि बाकी जो प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा लिए गए निर्णय को लुंजपुंज तरीके से अभी तक, कई निर्णय तो ऐसे हुए कि अभी तक लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसे निर्णयों को लेने के लिए बड़ी कड़ी इच्छा शक्ति होती होनी चाहिए और वो ये लागू कराना जानते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं और इसलिए आलोचना के पात्र भी हो रहे हैं। विपक्ष इनको हिटलर कह रहा है, हिटलर शाही का तगमा तमगा दे रहा है, लेकिन विपक्ष को तो ये देखना ही पड़ेगा कि वो इनकी जगह पहुँचने के लिए किस तरह से इन्हें घेरने का प्रयास कर रहा है और किस तरह से इनके सील और इनके स्वभाव और इनके व्यक्तित्व को काटने, उनके टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें ये भी एक शैली है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जैसे लोगों के खाते में सीधे योजनाओं का लाभ पहुंचा देना, ये अब तक की सरकार में, भारतवर्ष में नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। तो ये इच्छा शक्ति और उस मारक क्षमता के कारण ही हो रहा है। दो तीन स्लोगन हैं, एक तो मैं ये उन्होंने कहा मैं सेवक हूँ, दूसरा चौकीदार की बात उन्होंने कही, फिर वो उन्होंने कहा कि मोदी का परिवार, मैंने इस बार चुनाव में पूरा देश मेरा परिवार है, उन्होंने कहा कि मैं चढ़ के घर में घुस के मारता हूँ, उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये सब जो स्लोगन्स, ये सब जो नारे हैं वो पॉपुलर हो गए ज़्यादा, लोगों ने इसके चलते इस नेता को पसंद करना शुरू किया। ये स्वाभाविक है क्योंकि देखिए, दुश्मन को तो चढ़ के मारने की बात जब तक आप नहीं कहेंगे वो डरेगा नहीं। कहा गया है कि ऑफेंस इज द बेस डिफेंस, आक्रामकता आपके अंदर है तो आपका शत्रु आपसे डरेगा। अगर आप खुद डरे हुए लाठी लेकर कांपते हुए मोर्चे पर खड़े होंगे तो शत्रु तो आपको मार बैठेगा। तो ये ऑफेंस दिखाना, ये आक्रामकता दिखाना इनकी युद्ध नीति का एक बड़ा मूल तंत्र है और ये मूल स्वभाव। और दूसरा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अभी तक की शासन व्यवस्था जो हमारे देश में चलती आ रही है वो भ्रष्टाचार में पक चुकी है, बिल्कुल तरह से भ्रष्टाचार में इतनी डूब गई है कि शायद तंत्र कहीं दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है तो सिर्फ नाम का। तो वैसे देश में जहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो, वहाँ पर अगर कोई प्रधानमंत्री इस तरह से कहता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा तो लोगों में उसका लोकप्रिय होना। तो आरोप तो लगता है कि माने भाजपा में जो चला गया वो फिर भ्रष्टाचारी नहीं है और दूसरी पार्टी में है तो वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी, ये आरोप लगाता है लोग और आरोप लगता भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई करप्ट है और करप्शन है तो उसकी भी जाँच और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई नहीं होती, अगर वैसे लोग होते हैं तो उनको, जैसा आपने अभी कहा है कि बहुत सारे लोगों को किनारे कर दिया जाता है, तो कुछ इस तरह के दागदार लोग होते हैं जिनको मेन स्ट्रीम से अलग रख दो। हाँ, हमारे छल के, हमारे परिवार के सदस्य हैं लेकिन वो कहीं चोटिल हैं या उनके विचार इससे, हमारे से सहमत नहीं है तो वो किनारे रहें।
इस तो चलिए, ये थी हमारी बात प्रियरंजन भारती से, वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो पॉपुलर हो रहे हैं लगातार। हम आपको ये बताते चले कि हमारी बातचीत शुरू हुई थी इसी बात से कि 100 मिलियन माने एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर इस देश के प्रधानमंत्री के हैं, ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से पॉपुलर होते जा रहे हैं? लेकिन पिछले चुनाव में तो उनकी पार्टी बहुमत भी साबित नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कौन से कारण हैं? आप भी अपना कमेंट जरूर लिखिए, अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट लिखिए, और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।